चले जी, इधर मैं फारुक वेली बिल्कुल बैठी हुई थी तो मुझे आरिश के दादा अबू ने दिया, अलसी कहते हैं ये साफ़ कर दो, जिसको पता नहीं इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, मुझे नाम नहीं आता इसकी। क्या आखने नाशी ने बू, इसका ना क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक्सी फ्लैक्सी सीट। फ्लैक्स सीट। अच्छा जी, ये हमने रखी है इधर, साफ़ कर लेते हैं इधर, इसके जो कचरा मचरा है वो निकाल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आरिश के दादा अबू ने बनाने ही हैं अपने लिए, कोई पक्की बनानी है तो वो कहते हैं मुझे साफ़ कर दो, तो वो अंदर कोई क्या कर रहे हैं, खुद भी कोई काम कर रहे हैं, ये बैठे में ग्राइंडर ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ग्राइंडर हुई भी थी ख़राब। ज़रा सामने करो मशीन दिखाओ, मैं बैठी भी हूँ नीचे, मशीन ऊपर दिखाओ थोड़ा सा और ऊपर इस पर, ये देखें मशीन वो ठीक करें, खोली हुई है ग्राइंडर, ये ठीक करें, क्योंकि कल भी एक मशीन का ग्राइंडर ख़राब था, उसका जग लेके आए, जग नहीं उसका वो नीचे वाली जो डब्बी होती है वो ख़राब थी, जूस वगैरह नहीं बनता था, वो लेके आए हैं उसको, फिर अब जूस बनाने वाली जग ठीक हो गया, अब ये एक और मशीन थी वो ख़राब थी वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डब्बी ख़राब है छोटी वाली, जिसमें ये साफ़ करके ये मैं डालूँगी, तो फिर इसको सेक शेक वो करेंगे, थोड़ा सा साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद वो तवे पे थोड़ा सा हल्का हल्का जैसे होते हैं सेकते होते हैं, हल्की सी रोस्ट करते हैं, क्या ड्राई रोस्ट होता है क्या कुछ होता है वो होता है, इस तरह की करके फिर इसको जो जो चीज़ें डालनी होगी, मिश्री डालनी है या खाली रखनी है, क्या करनी है, फीकी रखनी है या मीठा डालना है, डाल के फिर हम इसको रख देंगे डब्बी में डाल के, फिर थोड़ी थोड़ी खाते रहेंगे, वो होती है शुगर बीपी सब कुछ जो है नॉर्मल रहता है, शुगर भी और बीपी भी खाते रहो, खाली पेट एक चम्मच खाते रहो, ये पहले भी बना के इन्होंने रखी हुई थी तो फिर भी खाते रहते थे, तो फिर बीपी नॉर्मल रहता था, बीपी शीपी फिर नहीं कभी आई हुआ, तो ये कुछ दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए थे ख़त्म हो गई थी पक्की बनी हुई, इसीलिए फिर मुझे ला के दिए ने, पड़ी हुई थी मेरे ख्याल में फ्रिज में उसमें ऊपर अलमारी में, तो ढूंढी है ने, ढूंढ के मुझे दिए, क्या कहते हैं ये ना करो साफ़ करके, तो ये फिर मैं भी साफ़ साफ़ करती हूँ इसको, फिर मिलते हैं। ये इस तरह होता है ना कचरा, ये फिर इस तरह में कचरे छोड़े चुन चुन के जो जो कचरा शचरा ये निकालेंगे, इसको साफ़ करते हैं, फिर मिलते हैं इसको, जो जितना जितना कचरा शचरा है, ये बारीक बारीक कचरे शचरे, ये इस तरह के काफ़ी मैंने निकाल दिए, ये पड़ा हुआ मेरी गोद में है सारा कचरा शचरा, जो फालतू के जो होते हैं ना गंद भला, ये कचरा मचरा, क्योंकि इसकी अपनी शक्ल ये है, ठीक है, और कचरा शचरा जो होता है ये फिर सारा निकाल लेते हैं सारा, ये मैंने अपनी गोद में ही रखा हुआ था इधर ही, ये फिर इसको इकट्ठी करते हैं, तो इसको बस थोड़ी सी रह गई है, साफ़ हो गई है तकरीबन सारी साफ़ हो गई है, हल्का फुल्का रह गया कचरा मचरा, बाकी जी मशीन ठीक हो गई है, ये लगनी है ऊपर करा रही है अभी चेक करनी है, अच्छा अभी चेक करनी है जी, चेक करने लगे हैं, ये चेक करें जी, चेक करें चलती भी है कि नहीं, अभी काम इसका रहता है, चलो जी वो मशीन के साथ लग गए भी, उसका काम भी रहता है कुछ, लेकिन मेरी अलसी हो गई है मुकम्मल, ये हो गई है सारी साफ़ हो गई है, बिल्कुल हो गई है साफ, बाकी इसी के कोई कुछ छिलके छिलके ही हैं, हाँ लगता है वो भी ठीक हो गई है, हाँ हो गई है, चलो ये कुछ अलमारी का जो है ना कब्जा निकल आया था वो भी ठीक कर रही हैं, ये आज अलसी ढूंढते अलसी ढूंढते ढूंढते गए वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ओहो पेज ख़राब है, पेज कस रहे हैं, मशीन चली नहीं चली मशीन का भी कोई पता नहीं, मशीन का काम आप ही आते हैं ना, चली गई एकदम उसी घर पर डाला बस, अच्छा अच्छा ये जी जो अच्छा अच्छा, दो तीन लगा रहे हैं ऊपर लग जाएगा,
यहाँ पे ये जो पहचान एक बार खोल माशाल्लाह। अगले चलो जी, ये रात का ये वक्त है जी, इस वक्त पे बना रही हूँ वीडियो। और मैंने अलसी साफ की, अभी अलसी साफ करके अभी भी फारिग हुई। इनका काम ये खुला मशीन आते में तो कब्जे छब्जे लाने लगे और उसके बाद चले जी बाकी की रूटीन इंशाल्लाह करते हैं। कमरे का भी चला अशर नशर हुआ हुआ है कमरे का, उसी तरह थोड़ा थोड़ा कुछ साफ हुआ हुआ है। कुछ जो है ना बल्ब ही हमारा दूसरा आज जल रहा है, पहले लाइट जल रही होती थी ये वाली, आज ये चल रहा है। क्योंकि आप कर लें थोड़ा सा बिजली की बचत, क्योंकि उसमें बिल आते थे ज़्यादा, बिल अभी भी बहुत ज़्यादा आए, हालांकि पंखे शंखे इतने नहीं चलते, बहुत कम, लेकिन फिर भी इतने बिल आए हैं। इसलिए फिर हमने ये वाली लाइटें जलाई हुई। इसके अबू ने बाहर वाली भी ठीक की है, ये भी ठीक की है, दूसरे कमरे की भी थोड़ी थोड़ी, इनके ना बटन हिलते थे, बटन इन्होंने फिर मरम्मत किए। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बटन इन्होंने पहले ऐसे ही लगे हुए थे, तो ये बटन ऐसे ऐसे ये बंद हो गए, ये जल गए, ये लगाए हुए थे UPS पे। इसी तरह इसका भी मरम्मत लगाई है, तारों के टुकड़े छोटे छोटे लगा के इनकी मरम्मत लगाई है। आज इनकी तबीयत ठीक है तो आज लगे हुए काम के लिए, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हाँ इसका भी ख़राब है, ठीक चलो सही है। ये भी इन्होंने खुद सारी अलमारी बनाई थी, सारी ये खुद बनाई थी। ये मेरे ख्याल में 4 साल हो गए इस अलमारी को बने हुए, सारी खुद बनाई थी इन्होंने अलमारी। ये सारी ये पता नहीं शायद मैंने पहले दिखाई है नहीं दिखाई, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये किचन बनाया इन्होंने खुद ही था, सारा सारे किचन का खुद काम किया था, जितना भी ऑलरेडी शुरू से दीवारों से ले कर सारा टाइलें या नीचे वाली अलमारियाँ शलमारियाँ जो बनी हुई, सारा काम इन्होंने खुद किया था। अभी तो थोड़ा चीज़ें शीज़ें निकाली हुई हैं इधर उधर से अलमारी के अंदर से, इसलिए थोड़ा खलारा डला हुआ है। चीज़ें शीज़ें डब्बियाँ छब्बियाँ सारी निकाली हुई हैं अलमारी में से निकली हुई है। कुछ ही आटा लेके आया था एहतेशाम से मंगवाया था, नहीं यही गए थे बल्कि अबू गए थे और एहतेशाम दोनों गए थे, आटा लेके आए, वो भी इधर पड़ा हुआ है। और ये इधर से मुड़ा उठा के उधर से हमने यहाँ रखा, इसलिए कि यहाँ अलमारी में से जो चीज़ें शीज़ें ढूँढनी थी इसलिए यहाँ रखा हुआ है। लाइट ये वाली हमारी बंद है इसलिए कुछ रोशनी नहीं सही आ रही थी। ये भी मैं भी कहूँ क्या है, ये किचन है किचन तो हर देखा हुआ है आपने, रोज़ ही हमारी वीडियो में होता है, लेकिन ये मेरा इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इन्होंने खुद बनाया था टोटली। अच्छा ये कहते हैं कि ये ख़राब है इसकी ग्राइंडर की, नई लानी पड़ेगी, कहते हैं टेढ़ी है, टेढ़ी है तो यूँ हिलती है तो उल्टे वो ऐसे नहीं ऊँचे नहीं ऊँची नीची होती है, तो इसलिए कहते हैं ये नई लानी पड़ेगी फिर जाके ये ग्राइंडर ठीक होगा। अच्छा जी जग कहते हैं फिर इसलिए टूटता है, जग हमारा 2 टूट चुके हैं मेरे फिरकी की वजह से, इसकी वजह से। चलें जी इसको रखते हैं और अभी हो गई है रात, चलें जी अभी सोने सोने की तैयारी करते हैं कि अरसलान भी नहीं आया इतने शाम, मेरे ख्याल अभी अभी आया, इन्होंने खाना शाना भी नहीं खाया, तो शाम अरसलान आएगा फिर खाना खाएगा। तो बाकी की चलो रूटीन इंशाल्लाह सुबह शेयर करेंगे। इस ये वाला वाला के इधर ये करते हैं, इधर रोकते हैं, मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ सब घर खैरियत से होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दें। चलें जी अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। और इधर उठ गया आते शाम नाश्ता कर रहा है, तो शाम से लेके आया बैग से नान शाम, तो नाश्ता कर रहा है। बाकी जो है ना इधर पराठे बन रहे हैं, मैं अभी लेके जाती हूँ तो भी बन रहे हैं पराठे, बना रही है हरियाणा और चाय शाय बन गई है अभी भी चाय। ये निकाली है बगैर चीनी की, उसमें चीनी डाल दी है, डालनी है अभी तो बाकी वाली में चीनी डालेंगे। चलें जी ये खा रहा है नान अंडा और चाय, रोटियां और पराठे बन गए जी। इधर आ गया मेरा नाश्ता भी, मैं भी अभी नाश्ता करने लगी हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे और आते शाम उठ के चला गया नाश्ता करके, क्योंकि उसने नान शान खाया था तो अंडा शंडा था चाय शाय वो खा पी के चला गया। और अरसलान अभी उठा ही नहीं है, उसको उठाते हैं तो वो भी उठ के नाश्ता कर ले, और इसके अबू भी सोए ने नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, मिलते हैं।
चले जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह करके हो गया, खारिश सब ने कर लिया है, सब खारिश हो गया और किचन सिचन भी साफ हो गया है, बर्तन बुतन साफ धो के हो गए हैं। अभी कर रही है हरियाणा सारी कमरे की, अरसलान ने भी तैयारी पकड़ दी है। चले जी अरसलान हो गया तैयार ड्यूटी पे जाने के लिए, बैग शैग भी इसने पीछे बांध लिया है, ये बैग चेक रख लिया। अब किस चीज़ का इंतज़ार है, हैं? अच्छा इधर मुड़ो, हेलो, अच्छा जी कोई नंबर ढूंढ रहा है। चलो जी ये नंबर शंबर ढूंढ लेता है, किसी को कॉल शाल करनी है, फिर ये निकलता है, फिर मिलते हैं। इधर हो रही है सफाई शफाई भी हो रही है जी, ये चलो जी अरसलान कुछ खा रहा था, मैंने भी इससे लेना है थोड़े से दे दो। चलो जी इन्हें भी खा लेते, मूँगफली और चने। चलो ये मैंने अरसलान से मांगे, मैंने कहा खा रहे हो खुद तो मुझे भी दो। और इधर अच्छा शाम भी आ गया, अच्छा शाम भी जा के नाश्ता नुश्ता करके ये भी बैठा हुआ है मोबाइल के साथ मसरूफ़। हाँ जी सलाम तो कर दिया कर, बस ये दे देते हैं अरसलान को पानी वाली बोतल, ले लो पानी वाली बोतल, इसने चने शने साथ रख लिए हैं। चल बैग शैग उठा ले, हैं हमारी लाइटें जो है ना हमने कम की हुई हैं आजकल, लाइटें कम की हुई हैं। चले जी पानी शानी इसको दे दिया है, इसलिए पानी इसने बोतल रख लिया है। जैसे तैयारी शायद ये पिकार रहा है, इसका टाइम अभी लंबा है, मेरे ख्याल में निकलते निकलते टाइम लगाएगा। पानी शानी रख लेता होता है कि चने शने चलो साथ पानी, इसलिए आज मैंने बोतल दी है। मैंने कहा चलो, कहता है बेवक्त भूख लग जाती है, कहीं ऐसी जगह पे होते हैं कुछ खा पी नहीं सकते, तो फिर लोग चने खा के पानी पी के गुजारा कर लेते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो अभी निकल रहा है, निकल जाने की तैयारी तो कर रहा है, काफ़ी देर हो गई निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं भी देख रही हूँ क्या कर रहा है। चले जी शूज़ पहने जा रहे हैं, ये भी राइड बुक करेंगे तो फिर जाएंगे, हम चलते हैं अंदर कमरे में। चले जी बाकी है अरसलान भी अभी निकल गया, तो शाम भी निकल गया, तो अरसलान अभी जी शूज़ वगैरह पहन रहा है, अभी राइड वगैरह बुक करने का इंतज़ार कर रहा है, जितनी देर उसको राइड आएगी तो फिर जाएगा। तो मैं भी इस ब्लॉग का इधर ही करती हूँ, टेंशन किसी ब्लॉग में गाँव में याद रखना और अपना ख्याल रखना। और बच्चे हमारे अभी तक नहीं आए, ये बेड शेड हमारा खाली हुआ हुआ है, बच्चे से जो अभी इंतज़ार है, आज हो सकता है आ जाए बच्चे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बच्चे के आने पे न्यू ब्लॉग में। चलो जी ओके अल्लाह हाफिज़। अरसलान निकले लगा है, इसने हेलमेट मांगा है, हेलमेट इसको पकड़ा के आते हैं, निकल गया भाई। ये ले अरसलान, अरसलान किधर गयो, ये ले जी हेलमेट इसको दे दिया, ये निकलने लगा अभी भाई। चलो जी बैठ के आज को चीज़ें दे दी हैं सारी,